उत्सव बतर मजते हिमाचल कांग्रेस सरकार दिले सूखबर निजर प्रतिश्रुति अवशेष रक्षा करिले हिमाचल कांग्रेस सरकार क्यों हिमाचल प्रदेश आज कार्यकरी हल ओपीएस अर्थात ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस बीजेपी सरकार बंध कर दी यार फल सरकारी कर्मचारी जथेष समस्या जो जो बीजेपी सरकार आए तक ओपीएसर परवर्ते एन पी एस प्रवर्तन कर किन्तु सरकारी कर्मचारी कब विचार जे ओपीएस लगे सुखविंदर सिंह सुखुर सरकार एक कथा सामाजिक माध्यम जरिए घोषणा करिले ट्विटर और फेसबुक सुखुए लिखिले जे आमी प्रतिश्रुति रक्षा करिलु और प्रतिश्रुति अनुसरी आजिर पर आमी ओपीएस उपहार हिसाबे जनतार बाबे आगबढ़ाई दिलु एक कथा घोषणा करार पिछते हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी मजत आनंद उत्साह और तारे इया दृश्यांश आनंद उल्लास एकदरे सरकारी कर्मचारी नाचि उठिसे क्यों लहर मजते यह शुभबार्ता दिले कांग्रेस सरकार उल्लेख्य हिमाचल प्रदेश निर्वाचन ओपीएस आसिल कांग्रेस अन्यतम एटा प्रतिश्रुति कांग्रेसे कैसी जदिहे शासन ओपीएस प्रवर्तन और अवशेष कथा कर देखाले सुखविंदर सिंह सुखुर सरकार कांग्रेसे लगते उल्लेख कर देश में जदि कांग्रेस सरकार आए पूर्वर दरे समग्र देशते सरकारी कर्मचारी ओपीएस बहाल राखिब और हमने जो वादा किया था कि पहली कैबिनेट में आज हमारी पहली कैबिनेट हुई जिसमें मंत्रिमंडल ने यह फैसला किया कि जितने भी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं जिन्होंने प्रदेश में विकास की नई सीमाएं लिखी हैं नए आयाम स्थापित किए हैं उन सबको तकरीबन 1,36,000 के करीब ये सरकारी कर्मचारी हैं जिनको ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ आज से मिलना शुरू हो गया है। इसकी नोटिफिकेशन फाइनेंस डिपार्टमेंट आज या कल में कर देगा और निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि जितने भी हमारे 1,36,000 कर्मचारी चाहे वो बोर्ड्स के हैं चाहे वो निगमों के हैं या कॉरपोरेशंस के हैं जो भी पेंशन्स के तहत आते होंगे उनको ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लाया गया है। ये कांग्रेस पार्टी की पहली गारंटी योजना थी जिसमें श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने सोलन में उस समय सरकारी कर्मचारी जो शिक्षक वर्ग के कर्मचारी थे डीसी ऑफिस के पास बैठे थे मैं और मुख्यमंत्री महोदय मुकेश अग्निहोत्री जी उनके साथ गए वहां हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने भी कहा था कि पहली कैबिनेट जब होगी हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे तो सभी सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को लोहड़ी का ये तोहफा हिमाचल प्रदेश की सरकार की तरफ से उन्हें दिया गया है। 1,36,000 जो कर्मचारी है आज लोहड़ी खूब धूमधाम से मनाएंगे। बहु कर्मचारी एनपीएस परिवर्ते ओपीएस प्रवर्तन दावी उत्थापन कर अवश्य बीजेपी सरकार यार ऊपर गुरुत्व दिया ना ओपीएस नायके हर फलते सरकारी कर्मचारी असंतुष्ट हो पड़े सरकारी कर्मचारी असंतुष्ट कले सरकार गठन नारे एक कथा जन प्रमाण कर देखाई हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सरकार हिमाचल एक कांग्रेस सरकार सिद्धांत आगंत समय भारत राजनीति की प्रभाव पेलो लक्षण ब्यूरो रिपोर्ट 24।